I am Meneka and welcome to Khana Ghar Ghar Ka. Doodhi ek alkaline vegetable hai aur hamari sehat ke liye bahut hi achhi hai. Lekin aksar log ise boring mante hain. Lekin agar doodhi ko ek interesting tarike se pakaya jaye to aapko milegi ek badhiya si dish. Aaiye mere sath banate hain Doodhi Paneer Kofta. एक कढ़ाई लेकर उसमें हम ऑयल ले लेते हैं फ्राइंग के लिए. जब तक कि तेल गरम हो रहा है यहाँ हम कोफ्ते का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं. ये दूधी को मैंने ग्रेट किया है और इसका एक्सेस जो पानी था उसे भी ड्रेन कर लिया है. इस दूधी को हम मिक्सिंग बोल में डाल देते हैं. कद्दूकस किया हुआ दूधी पनीर को मिला दीजिए. पनीर और दूधी को थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए. इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक एक छोटा चम्मच, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, थोड़ा सा जीरा पाउडर आधा चम्मच. अब हम इसमें बेसन डाल देंगे दो बड़े चम्मच. दूधी का अपना जो रस है वो अभी भी है थोड़ा, तो आप बेसन को अच्छी तरह से इसमें मिला लें. ये इस तरह से एक बैटर की तरह बन गया है. छोटे छोटे पोर्शंस लेकर उन्हें लाइटली एक बॉल में रोल कर लीजिए. इस तरह से यहाँ रखते जाइए. अब इन कोफ्तों को हम कढ़ाई में डाल देते हैं. अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आप अपने कोफ्ते निकाल सकते हैं, मतलब कि आपकी दूधी पक चुकी है. ब्यूटिफुल कोफ्ता इज रेडी. आइए हम अपनी कोफ्ता की करी रेडी कर लेते हैं. एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, इसमें थोड़ा सा जीरा क्रैकल होने देते हैं आधा चम्मच, काली मिर्च 3 से 4, लौंग 3 से 4, तेज पत्ता उसे रफली आप तोड़ लें, 1 inch पीस ऑफ दालचीनी सिनेमन हल्का सा भून लें इन्हें. इसमें डालेंगे अनियन पेस्ट, अनियन पेस्ट को थोड़ा फ्राई होने दें, थोड़ा लाइट ब्राउन होने दें. इसमें डालेंगे 1 चम्मच जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट 1 चम्मच. आधा चम्मच चीनी. आप कभी भी अपने अनियंस को ब्राउन करने की जल्दी में हैं तो फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ शुगर रियली हेल्प दैट. देखिए चीनी डालते ही इसका कलर चेंज होने लगा है. हल्का सा पानी डाल सकते हैं आप इसे ताकि मसाला जले नहीं हमारा. अब इसमें हम डालेंगे सेसमी पेस्ट. सफेद तिल को मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट किया और फिर ग्राइंडर में हल्का सा पानी डालकर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है. मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच सेसमी पेस्ट क्योंकि मेरी ग्रेवी वाइट है और मुझे थिक और क्रीमी चाहिए. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द सेसमी पेस्ट इज गोइंग टू डू. आप इसे अनियन पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लीजिए. इसमें हल्का सा आप पानी डालिए
पानी को अच्छी तरह से आपके पेस्ट में वो ब्लेंड हो जाना चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, एक चम्मच, और बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक टिंज ऑफ कलर के लिए, नॉट लाइक रियली येलो बट मे बी अ लिटिल लाइट येलो। हमारे तीखे के लिए हम इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल देते हैं, एक चम्मच। थोड़ी सी चीनी मैंने अपने अनियंस को कैरमलाइज करने के लिए डाली थी, लेकिन थोड़ी सी चीनी और लगेगी बिकॉज माई ग्रेवी इज अ लिटिल स्वीटिश। आई एम गोइंग टू ऐड अ फ्यू रेजन्स एंड कैश्यूज टू माई ऑलरेडी वेरी रिच ग्रेवी, एक शाही अंदाज, हल्का सा पानी और मिक्स इट वेल, इसे थोड़ा बॉईल होने दीजिए। आप थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें डाल दीजिए, सो यू गेट दैट लिटिल ग्रीन इन योर लिटिल येलो ग्रेवी। हमारी करी बिल्कुल तैयार है, हम अपनी गैस बंद कर देते हैं। कोफ्ते जो हैं यहाँ मैंने फ्राई करके रखे हैं, आई एम गोइंग टू ड्रॉप देम इन द ग्रेवी। इन्हें इस वाइटिश येलोइश ग्रेवी से कोट कर लीजिए इस तरह से। आइए इस गरम गरम कोफ्तों को सर्व करते हैं। थोड़ा सा धनिया आप ऊपर से और डाल सकते हैं गार्निश के लिए। गर्मा गर्म दूधी पनीर कोफ्ता करी तैयार है। अगर आपको दूधी पनीर कोफ्ता पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू फेम फूड, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आई विल बी बैक विद अ लॉट ऑफ हेल्दी रेसिपीज ऑन खाना घर घर का।